हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। मेरा आज का जो वीडियो है सीआरपीएफ, जी हाँ, सीआरपीएफ में आप लोग की एक रिक्रूटमेंट निकली हुई है, मेसन और सीवरमैन की आप लोग की वैकेंसी है, जिसकी जानकारी मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे, क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इंटरव्यू, पूरी जानकारी आप लोग को मिलेगी। तो ये सीआरपीएफ की वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आप लोग को दे दूँगा, डायरेक्ट उस पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप लोग का रिक्रूटमेंट वाला सेशन चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग व्यू वाल पे क्लिक करेंगे, व्यू वाल पे क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे इस प्रकार का आप लोग का पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज का लिंक भी मैं आप लोग को दे दूंगा ताकि आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे आप लोग का चल रहा है एडवर्टाइजमेंट टू एंगेज द मेल कैजुअल लेबर, जी हम मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, कैजुअल लेबर की वैकेंसी है, स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों ही वैकेंसी है, डेली वेजेस पे आप लोग की यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली। एडवर्टाइजमेंट नंबर और नोटिफिकेशन आप लोग को दिया हुआ है, आप लोग देखेंगे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट टू एंगेज मेल कैजुअल लेबर, इस पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का जो है नोटिस चल रहा है, ठीक है, इसका भी लिंक दे दूंगा ताकि आप लोग डायरेक्ट इस पर क्लिक करके यहाँ पे आ जाएंगे। तो ऑफिस ऑफ द कमांडेंट 31 BN आप लोग जो है सीआरपीएफ मयूर विहार में आप लोग की वैकेंसी निकली है कमांडेंट ऑफिस में, ठीक है। तो इसमें द यूनिट इंटेंट टू इंगेज फॉलोइंग मेल कैजुअल लेवल, तो मेल कैजुअल लेवल की वैकेंसी है, स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों वैकेंसी है, डेली वेजेस पे आप लोग की वैकेंसी रहेगी, ठीक है, यानी कि डेली वेजेस पे, डेली सैलरी पे। इंटरेस्टेड कैंडिडेट विल अटेंड द इंटरव्यू ऑफ द बोर्ड, यानी कि आप लोग का डायरेक्ट यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है, जो कि 27 अक्टूबर 2021 में होने वाला है 11:30 बजे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे 31 BN CRPF मयूर विहार में आप लोग का इंटरव्यू होगा न्यू दिल्ली में, विथ रिक्वायर्ड एजुकेशनल प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, यानी कि आप लोग अपने जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह हैं वो सारे सर्टिफिकेट, इसके अलावा वोटर आईडी कार्ड या फिर आधार कार्ड वगैरह आप लोग लेके जाएंगे, ठीक है। मयूर विहार न्यू दिल्ली में आप लोग को पहुंचना है 27/10/2021 को, ध्यान रखिए सभी को 27/10/2021 को पहुंचना है। उसी दिन आप लोग की यहाँ पे जो इंटरव्यू होगा, कोई आप लोग का यहाँ पे रिटर्न एग्जाम वगैरह नहीं होने वाला है। तो वैकेंसी आप लोग की यहाँ पे निकल के आ रही है मेसन स्किल्ड अनस्किल्ड, ठीक है, मेसन की वैकेंसी है, एक वैकेंसी है जो कि शिफ्ट आप लोग की रहेगी 8 से 18 बजे तक, ठीक है, 8 घंटे 8 आवर टू 18 आवर आप लोग की यहाँ पे जो है शिफ्ट रहने वाली। इसी प्रकार से सीवरमैन की स्किल्ड अनस्किल्ड वैकेंसी है, एक पोस्ट है आप लोग की, शिफ्ट बेस आप लोग की यहाँ पे रहेगी, ठीक है, शिफ्ट आप लोग की रहेगी। तो मेसन और सीवरमैन की आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही है। पे जो है आप लोग का यहाँ पे रेट फिक्स किया जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट फॉर स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर रिस्पेक्टिविटी, जो दिल्ली गवर्नमेंट का जो रेट फिक्स किया गया है, ठीक है, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर के लिए वही आप लोग को यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है, डेली वेजेस की आप लोग की यहाँ पे सैलरी मिलेगी। क्वालिफिकेशन यहाँ पे या तो आप लोग ITI हैं या फिर आप लोग के पास एक्सपीरियंस है इन डिस्क्रिप्टिव फील्ड फॉर द पोस्ट ऑफ मेंशन इन 1 एंड 2, ठीक है, या तो फिर आप लोग के पास ITI है, जैसे कि आप लोग के मेंशन है तो आप लोग को ITI होना चाहिए, ठीक है, या फिर आप लोग के पास एक्सपीरियंस है तो भी आप लोग यहाँ पे जा सकते हैं। सीवरमैन के लिए आप लोग के पास एक्सपीरियंस है तो आप लोग यहाँ पे जा सकते हैं। एज लिमिट आप लोग के पास जो है 18 से 40 साल की एज रखी गई है, ठीक है, कोई SC ST OBC नहीं, 18 से 40 साल आप लोग की एज होनी चाहिए। आप लोग का जो एप्लीकेशन रिसीव होगा वो आप लोग को 25/10/2021 तक आप लोग को यहाँ पे फॉर्म एप्लीकेशन रिसीव हो जाना चाहिए। डेट ऑफ इंटरव्यू आप लोग का जो 25/10/2021 रहने वाला है। टर्म एंड कंडीशन के बारे में यहाँ पे आप लोग को बताया गया है कि डेली वेजेस पे, यानी कि डेली जो आप लोग को सैलरी है उसके बेसिस पे आप लोग को रखा जाएगा, टेम्प्रोरी बेस पे, यानी कि टेम्प्रोरी हैं आप लोग, यहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉई नहीं है, टेम्प्रोरी है आप लोग का, डेली वेजेस आप लोग को यहाँ पे मिलेगा, उसी के बेस पे आप लोग का रखा जाएगा डेली सैलरी, ठीक है। इफ ए लेबर कमिट मिसकंडक्ट, यानी कि लेबर कोई मिसकंडक्ट करता हुआ पाया जाता है, सेम इज प्रूव्ड, यानी कि कोई गलत व्यवहार करता हुआ पाया जाता है, प्रूव्ड हो जाता है, तो हिज सर्विस विल बी टर्मिनेटेड, तो यानी कि तुरंत प्रभाव से जो इनकी सर्विस को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, दे विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू बेनिफिट, कोई बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा सर्विस का। ध्यान रखिए कोई भी आप गलती करते हुए पाए जाते हैं, ठीक है, गलत व्यवहार करते हुए पाए जाते हैं, सेम एज प्रूव्ड और प्रूव्ड होता है तो आप लोग को जो तुरंत प्रभाव से यहाँ पे निलंबित कर दिया जाएगा और कोई आप लोग को बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा कैजुअल लेबर वर्कर जो है गिव 1 वीकली ऑफ, यानी कि आप लोग को 1 वीकली ऑफ मिलेगा, जैसे कि आप लोग का संडे हो गया, 6 दिन 7वें दिन आप लोग को यहाँ पे 1 वीकली ऑफ मिलेगा एक दिन में, ठीक है, मीन्स 1 वीक में आप लोग को 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। और 6 डे कंटिन्यू वर्क पेमेंट ऑफ द कैजुअल वर्कर मे बी स्टिल्ड ओनली द डे ऑफ विच, यानी कि जो एक्चुअली आप लोगों ने वर्क किया है 1 वीक में, ठीक है, 6 दिन या जितने भी दिन, उसी का पेमेंट आप लोग को मिलने वाला है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो भी आप लोग का वीकली ऑफ होगा उसका पेमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन यदि आप लोग का जो वर्किंग डेज है उसमें कोई नेशनल हॉलीडे वगैरह आ जाता है तो आप लोग को जो है उसकी पेमेंट मिलने वाली है, ठीक है। तो ये सैलरी के बारे में बता दिया, कोई बेनिफिट आप लोग को नहीं मिलेगा, स्पेसिफाइड अबव विल बी एडमिशन टू कैजुअल लेबर इन टेम्परेरी, आप लोग टेम्परेरी बेस पे हैं, ठीक है, कोई अदर बेनिफिट आप लोग को नहीं मिलेगा।
और एब्सेंस, यदि आप लोग ड्यूटी से एब्सेंस होते हैं मोर देन 1 वीक, 1 वीक से अधिक आप लोग ड्यूटी पे नहीं आते हैं, तो विदाउट प्रॉपर परमिशन, विदाउट किसी परमिशन के आप लोग 1 वीक से अधिक एब्सेंट होते हैं, तो आप लोग की जो है सर्विस को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए, कोई बिना विदाउट किसी रीज़न के आप लोग को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। इन केस ऑफ एनी ड्यूटी, कोई इसके अलावा कोई मैटर वगैरह आप लोग का होता है, तो कमांडेंट 31 BN CRPF जो भी सेल भी फाइनल, जो भी फाइनल किया जाएगा वही होगा, ठीक है। रिजर्व राइट टेक द डिसीजन इशू विदाउट असेसिंग एनी रीजन। तो ये आप लोग को बता दिया गया है कि 1 वीक से आप लोग अधिक ऐसे बिना परमिशन के आप लोग बाहर नहीं जा सकते, नहीं ठीक है, छुट्टी पे नहीं जा सकते। इसके अलावा आप लोग को डेली बेसिस पे रखा जाएगा, और जो भी आप लोग का वीक में जो वर्किंग होगा उसी की आप लोग को पेमेंट मिलेगी, और यदि जो वर्किंग डेज है उसमें कोई हॉलीडे पड़ता है तो उसकी भी सैलरी आप लोग को मिलने वाली है। तो 18-40 साल एज है आप लोग को, जो ITI कर रखी है या फिर आप लोग पास एक्सपीरियंस है, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सभी डॉक्यूमेंट लेकर के आप लोग 27/10/2021 को पहुंचेंगे यहाँ पे इंटरव्यू के लिए। इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को लेनी तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, जाने पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए आते रहें। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।